आपको दिखाता हूँ। ये पाकिस्तान का टैंक और ये पहाड़ियाँ बहुत ही खूबसूरत लग रही। भैया यहाँ बर्फ पड़ जाती है क्या? कौन से मंथ में? गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज मैं जा रहा हूँ धर्मशाला, साथ में रास्ते में अपने बाइक के टायर चेंज करवाने हैं। तो कल मैंने फ्रंट व्हील तो चेंज करवा लिया था वहाँ से, बट उनके पास रेयर व्हील अवेलेबल नहीं था। मैं अभी बाइक में लगवा रहा हूँ ट्रैम्पलर XR अपोलो का। आज बोला था उन्होंने कि आ जाएगा, तो अब जाते जाते लगा लूँगा। और गाइज आप ये देखो क्या ब्यूटीफुल नज़ारा है धौलाधार माउंटेन्स का। और आज इन पहाड़ों को मैं आपको बहुत नज़दीक से दिखाने वाला हूँ। गाइस चलते हैं और बाकी की बातें राइड पे करते रहेंगे। धर्मशाला एक टूरिस्ट स्थान है, अगर आपको आना है। जो हिमाचल के बाहर के लोग हैं वो जो दिल्ली से जो है ये 470 किलोमीटर के आसपास में है, जो ट्रेन से आना चाहते हैं तो पठानकोट तक ट्रेन से आ सकते हैं। और पठानकोट के आगे बसेज चलती रहती हैं, फ्रीक्वेंट बसेज है। जो धर्मशाला है वो विंटर कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश भी है। धर्मशाला में बहुत सारे घूमने लायक जगह हैं, बक्सुनाथ वाटरफॉल। धर्मशाला जो है दलाई लामा जी का भी निवास स्थान है। मैं हूँ चुमुंडा में, वहाँ से मुझे लेना है राइट टर्न। यहाँ से धर्मशाला 14 किलोमीटर है। मेरे लेफ्ट साइड में माता चुमुंडा देवी जी का मंदिर है। ऑल ओवर द इंडिया पब्लिक आती है। ये देखिए ये गेट है। अगर आप धर्मशाला घूमने का प्लान करते हैं तो माता जी के दर्शन कर सकते हैं। बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं यहाँ पे हर साल। तो दोस्तों टायर का शोरूम भी यही है, टायर लगवाते हुए चलते हैं। भैया वो ट्रैम्पलर XR अवेलेबल आ रही है गाड़ी? अच्छा अभी टाइम लगेगा, ठीक है चलो मैं धर्मशाला जाके आता हूँ। गाड़ी तो आई नहीं, इनकी टायर वाली जो आने वाली थी, तो आते टाइम लगवा लूँगा, टेल डलवा ही लेते हैं। फुल कर दो भाई। बस भैया बस गूगल पे करना, फोन पे कर दूंगा। टैंक हो गया फुल, सो चलते हैं, अभी कोई टेंशन नहीं है। ट्रैफिक जाम, शायद अभी हम पहुंचने वाले हैं धर्मशाला। जब धर्मशाला पहुंच ही गए हैं तो कहीं ना कहीं तो पहुंचेंगे। और यहाँ के रेन सेट भी कितने सुंदर बनाए हुए हैं भाई। यहाँ KFC भी है। ये है धर्मशाला की मार्केट। यहाँ पे आपको तिब्बतियन जो हैं वो भी देखने को मिल जाएंगे, उनकी संख्या भी काफ़ी ज़्यादा है इधर। उनकी अपनी कॉलोनी है यहाँ पे अपर धर्मशाला में। मकलोडगंज बक्सुनाथ नड्डी, तो चलो पहले नड्डी का करके आते हैं। नड्डी का भी मैंने सुना बहुत अच्छी व्यू पॉइंट है। मैप लगाते हैं अभी और पानी पीते हैं फिर चलते हैं। ओके ऊपर आते हैं ना, टेम्परेचर जो है वो है थोड़ा सा, मैंने ऐसा ठंडा सा फील होने लगा मुझे। नड्डी है यहाँ से 2.1 किलोमीटर। सच में ऐसे रास्तों पे गाड़ी चला बाइक चलाने का अपना ही मज़ा है, प्लेन रास्तों पे तो बोरिंग सा लगता है कि चल रहे हैं चल रहे हैं चल रहे हैं बस। यानी यहाँ जो मज़ा है ना वो मज़ा कुछ और है। और आपके पास जो कि है आई थिंक ये डल लेक है। हाँ डल लेक है। अब ये तो इसका पानी बिल्कुल मिट्टी के रंग का है, बट मे बी कुछ काम चल रहा होगा, बट यही डल लेक है, इसमें बोटिंग भी होती थी। देवदार के पेड़ कितने सुंदर लग रहे हैं।
चलो भाई खींचो। वाओ ये देखो क्या ही सुंदर लग रहे हैं जंगल। ये सब देवदार के पेड़ हैं और यही नहीं, पेड़ों की वजह से ना थोड़ा तापमान कम रहता है पहाड़ी इलाकों, जहाँ पहाड़ी इलाकों में ही होते हैं ये पेड़। 600 मीटर पे आ जाएगी डेस्टिनेशन नड्डी। कुछ तो चल रहा है इधर। शादी चल रही है। सो गाइस अभी मैं हूँ धर्मशाला नडी और यहाँ का वेदर बहुत ही ज़्यादा प्लेजेंट है। ये देखिए गाइस, और ये देखो गांव घर कितने नीचे हैं वहाँ पे, वो नीचे मकान है लोगों के नीचे। ये देखिए और ये पहाड़ियाँ बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत हैं। गाइस एक हो गया आज लोचा ये है कि मैं अपने DJI Osmo Action 3 की जो बैटरीज हैं उसका पॉज घर पे भूल के आ गया हूँ। जब बैटरी अभी डाउन हो गई तो सोचा कि चेंज करता हूँ, ढूंढ रहा हूँ तो नहीं है। सो अभी मैंने जुगाड़ किया है, दिखाता हूँ क्या जुगाड़ किया मैंने। सो जुगाड़ ये है गाइस, ये जुगाड़ है। मैंने एक्चुअली बाइक का जो हैंडल बार माउंट जो लगा रखा है उसमें चार्जिंग है, उससे मैं इसको अभी चार्ज कर रहा हूँ और बाइक मैंने ऑन ही रखी है तो कुछ तो चार्ज हो। यहाँ के लोकल से बात कर रहा था, वो बता रहे थे कि यहाँ पे भी बर्फ़ पड़ जाती है। भैया यहाँ बर्फ़ पड़ जाती है क्या? कब? कौन से मंथ में? दिसंबर जनवरी में बर्फ़ पड़ जाती है इधर। तो उसके बाद यहाँ तक बर्फ़ पड़ती है या पहाड़ियों तक? अच्छा ओके, तो यहाँ तक ये जो प्लेस है जहाँ पे मैं भी रुका हूँ दिसंबर और जैन में यहाँ पे भी बर्फ़ पड़ जाती है गाइस। पेट पूजा हो गई है कंप्लीट और अभी देखते हैं बैटरी कितनी चार्ज हुई है, फिर चलते हैं ऑन करते हैं इसको। ये देखो दिख रहा है आपको? शायद दिख नहीं रहा, फोकस नहीं हो रहा है। बैटरी अभी 27% चार्ज हुई है और मैं इसको ऐसे रखूँगा और चलते हैं। तो गाइस चलते हैं इस चर्च में। चर्च का नाम है चर्च ऑफ सेंट जॉन इन द वाइल्डनेस चर्च और ये बना है 1852 में। ओके चलो। आपको एक बात बता दूं कि ये चर्च फेमस है और किस चीज़ के लिए फेमस है वो आपको दिखाता हूँ जाके। क्या ही खूबसूरत जगह है, पूरे देवदार के पेड़ों से घिरी हुई है। ये देखो और देखो, देख सकते हैं कितना ही शांत एनवायरनमेंट है यहाँ का। हिमाचल प्रदेश में सबसे पुराना चर्च होगा ये, 1852 का है। ये देखिए गाइस पहले इसके वॉक अराउंड करते हैं फिर अंदर चलते हैं, जो जाने देंगे तो। एक अंकल थे जो यहाँ के हैं, उन्होंने मना किया कि अंदर से कोई फोटो नहीं खींचना है। सो आपको मैं बाहर से दिखा देता हूँ और बता देता हूँ कि ये अपने बेल्जियन जो स्टेंड ग्लास विंडोज हैं उनके लिए जाने जाते हैं। सो यहाँ से दिखा देता हूँ आपको अंदर का जूम करके। ये देखिए दिख रहा होगा शायद,
सो गाइस अभी मैं हूँ बागसुनाथ में, और बागसुनाथ में मैंने अपना कैमरा जो है एक रेस्टोरेंट पे चार्जिंग पे लगा दिया है, और साथ में मैंने किए चाय ऑर्डर। वहाँ से मुझे वाटरफॉल तक पैदल चल के जाना है, और चाय पीते हैं फिर चलते हैं। सो गाइस देखते हैं कैमरा कितना चार्ज हुआ अभी। ये देख सकते हैं अभी 70% चार्ज है। 10 मिनट और बैठते हैं फिर चलते हैं। तो गाइस अभी मैं जा रहा हूँ बागसुनाथ वाटरफॉल, और जगह बहुत ही सुंदर है यार। ये देखिए गाइस ये ऊपर से आ रहा है। गाइस मैं हूँ अभी बटरफॉल के पास में। एक्चुअली बटरफॉल नीचे है, पानी वहाँ से नीचे जा रहा है, और एक और नज़ारा आपको दिखाने वाला हूँ। ये देखिए धुंध, ये देखिए पूरा फोग ही फोग है पीछे। बट मैं कर रहा हूँ इंजॉय रेडबुल, सो इस थोड़ी सी एनर्जी मिल जाए, बिकॉज ऊपर चढ़ते चढ़ते दम निकल गया। सो थोड़ा सा चार्ज अप कर लेता हूँ फिर चलते हैं नीचे। गाइस अभी मैं हूँ बागसुनाथ वाटरफॉल पे, देख सकते हैं पीछे क्या ही सुंदर नज़ारा है। और ये देखिए एट लास्ट पहुँच ही गया यहाँ पे मैं। ये देखिए करीबन 30 फीट की ऊंचाई से पानी गिर रहा है। सो वाटरफॉल कर लिया एक्सप्लोर गाइस, अभी चलते हैं क्रिकेट स्टेडियम। और टाइम अभी हो गया है 4 बज गए हैं। लग तो रहा स्टेडियम ही है हिमाचल, हाँ यही है स्टेडियम बाहर से। तो अंदर चलते हैं, गेट कहाँ से है? नो एंट्री कहाँ से एंट्री होगी फिर? एंट्री मिल जाए भाई, मे भी यहाँ से एंट्री होगी। बट वेयर विल आई पार्क माय बाइक? यहाँ पे भी बंद है, ताले लगे हुए हैं। आई नीड टू गो बैक। भैया ये एंट्री कहाँ से है स्टेडियम की? एंट्री कहाँ से है? स्टेडियम की एंट्री बंद है भाई। एंट्री नहीं है? एंट्री तो यहाँ से है ना, पर बंद है अभी। अभी नहीं, किसी को जाने नहीं दे रहे हैं। ओके, ऊपर चौक कहाँ है? चौक से ऊपर से दिख जाता है ना भाई, ऊपर कहीं से दिखता है ना पूरा स्टेडियम? कहाँ से दिखता है अंदर का पूरा ग्राउंड? अच्छा ऊपर भाई बंद है। कहाँ से जाऊँ? ऊपर से आगे से जाना पड़ेगा। और बारिश भी हो गई है स्टार्ट, और अभी एंट्री बंद है स्टेडियम की। सो ऊपर से एक व्यू देख सकते हैं, तो मैं वहीं जाता हूँ। अभी मेरे को एक जानकारी मिली है, लोकल भाई थे जो यहाँ के लोकल थे, उन्होंने बताया कि ऊपर डिग्री कॉलेज के अंदर जाके देख सकते हैं। अब मैं जाता हूँ कॉलेज तक, कोई मुझे जाने देगा अंदर? तो अब मैं घुस गया हूँ डिग्री कॉलेज के अंदर। आई कैन पार्क माई बाइक हेयर। Let's see. ये देखिए गाइस ये है क्रिकेट स्टेडियम। अभी में भी वर्ल्ड कप के मैचेस होने वाले हैं, इसलिए बंद है। ये देखिए ग्राउंड दिख रहा है।
ये होम ग्राउंड है हिमाचल क्रिकेट टीम का फॉर रणजी एंड डोमेस्टिक के लिए, और किंग्स इलेवन पंजाब का आईपीएल के लिए होम ग्राउंड है। फर्स्ट ओडीआई जो हुआ था 27 जनवरी 2013 को हुआ था, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। सो उसमें इंग्लैंड 7 विकेट से जीत गया था गाइज। सो गाइज ये है, और अभी यहाँ पे वर्ल्ड कप के अपकमिंग वर्ल्ड कप 2023 के 5 मैचेस होने वाले हैं। पिक बार मेमोरियल है, अगर दिखेगा तो वहाँ चला जाऊँगा और उसके बाद निकलना है घर के लिए। सो गाइज अभी मैं आ गया हूँ बार मेमोरियल गेट के अंदर, एंड एंट्री फीस है 20 रुपीज़ पर पर्सन। भारत का मैप बना रखा है, देखो ये है भारत का मैप। सो ये प्लेस, ये जो बार मेमोरियल है, ये जो हिमाचल के जो भी जवान शहीद हुए उनके लिए, सोच रहा था कि जो भी जवान युद्ध में शहीद होते हैं सभी का लिए होगा ये, बट नहीं, हिमाचल के जो जवान थे जिन्होंने अपने प्राण निछावर किए थे इस देश की रक्षा करने के लिए, उनके ये बनाया गया है। ओके, यहाँ पे आगे नहीं जा सकते, लिखा है। अभी तो कुछ शायद काम चल रहा है, पर आप पढ़ पा रहे होंगे, यहाँ से पूरा दिखेगा। इस वाल पे लिखा है जम्मू एंड कश्मीर ऑपरेशंस 1947 to 1948, पंजाब रेजिमेंट के जवानों जो शहीद हुए उनका भी है, सिख रेजिमेंट है, डोगरा रेजिमेंट है, जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स के जवान जो शहीद हुए हैं सभी के नाम है, और इंडिया चाइना वार 1962 का भी है इसमें। सो दिल से सल्यूट है इन जवानों के लिए। एक छोटी सी चेक पोस्ट भी बना रखी है, ये है एयरक्राफ्ट कैरियर, आगे जाके पता चलेगा कि कौन सा है। तो ये विक्रांति है, ये फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांति था। चलते हैं गाइस, अभी ये लास्ट जो प्लेस था जो है की राइट पे मैंने एक्सप्लोर किया है, और आगे चल के अभी टाइम हो गया है 6 बजने वाले हैं, मुझे टायर भी चेंज करवाना है। उन्होंने बोला था कि फ़ोन कर देंगे, बट कोई फ़ोन नहीं आया वहाँ से। सो चलते हैं, शायद उनके पास वो पीछे से सप्लाई आई नहीं होगी। मैं सोच रहा हूँ कि आ जाती सप्लाई तो बैटरी है, बिकॉज वहाँ से वापस जाके और 60 किलोमीटर वापस आना टायर चेंज करवाने के लिए थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है। टैंक भी है, उसे देखते हैं चल के। ये पाकिस्तान का टैंक है जो कैप्चर किया गया था 1965 के इंडो पाकिस्तान वार में, इंडियन आर्मी ने कैप्चर किया है इसको। ये देखिए, गर्व महसूस होता है अपनी इंडियन आर्मी पे हमें। सो गाइस अभी चलते हैं और टायर का काम करवाएंगे, फिर निकल जाएंगे। सो दोस्तों, कल घर पहुंचते बहुत लेट हो गया था, सो खाना खा के सो गया, तो ब्लॉग को एंड नहीं किया था, इसलिए आज एंड कर रहा हूँ। एंड दोस्तों, अगर आप मेरा कंटेंट पसंद कर रहे हैं तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। और अगले वीक से मेरे ब्लॉग रेगुलर आने वाला है, एक वीक में 3 ब्लॉग आने वाले हैं, और एक लंबी राइड भी होने वाली है दोस्त। और मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइज़।